सहायता 2023 में भारत के पास है और इसके तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश करी है कि देश के कोने कोने तक हम कैसे एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं आगे लेकर जाए और उसमें G20 कंट्रीज मिलके क्या काम कर सकते हैं। जो एजुकेशन समिट है उसके अंतर्गत एक फ्यूचर वर्क का ट्रैक है जिसके लिए यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए हैं। 3 दिन यहाँ कॉन्फ्रेंसेज हैं जो नई इकॉनमी जो इमर्ज हो रही है उसके बारे में दुनिया भर से एक्सपर्ट्स आएंगे, इसके बारे में बात होगी। इसके अलावा वर्किंग ग्रुप का डिस्कशन है 27-28 को, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 में जन भागीदारी को बहुत माना है और पिछले 1 अप्रैल से यहाँ पे इसको लेकर पूरे प्रदेश में जन भागीदारी चल रही है और उसके तहत 1 लाख से ज़्यादा नागरिकों ने पार्टिसिपेट किया है। ये एग्जीबिशन जो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की है, यहाँ पे हमने फ्यूचर ऑफ वर्क कैसे होगा, क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मीडिया के लिए, टूरिज़म के लिए, हर सेक्टर का, ऐसे 10 सेक्टर्स की हमने यहाँ पे जहाँ पे आपको नई से नई टेक्नोलॉजी और आने वाली अपॉर्चुनिटीज को समझ आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चय नहीं है उड़ीसा के सारे नवयुवक और देश के सारे नवयुवक आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो आप इस एग्जीबिशन को प्रस्तुत करेंगे, हम जिस देश को विकसित बनाने के बारे में प्रधानमंत्री के लिए भी चाह रहा हूँ। सर, तो G20 में जो लोग डेलीगेट्स पूरे वर्ल्ड से उड़ीसा आए हुए हैं, क्या सभी लोग यहाँ पे विजिट करेंगे और किन किन कंट्री से लोग यहाँ पे विजिट करेंगे इस एग्जीबिशन में? सर, G20 में करीब 19 देश और यूरोपियन यूनियन आते हैं, तो उसको लेके उस 26 तारीख का जो दिन है उस दिन ये प्रदर्शनी जो है वह यहाँ पे G20 के सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आएंगे। ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है ये दिखाने का कि हिंदुस्तान की सोच दुनिया से कम नहीं है, काफ़ी आगे है और उससे हमारी उम्मीद ये है कि उन कंट्री के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मिलके एक जो हमारे प्रधानमंत्री का वसुधैव कुटुंबकम वन फ्यूचर का जो सपना है वो सपना इसी प्रदर्शनी से और यहीं से निकल के जाएगा।